ग्राम कालाकुंड के पटेल सेवाराम कोहली की जघन्य हत्याकांड का 24 घंटे में पुलिस थाना सिमरौल ने किया खुलासा। चोरल नदी के स्टाफ डैम पर मछली पकड़ने के एकाधिकार को खत्म करने के लिए सगे भाई ने ही अपने साथी के साथ मिलकर दिया अपने भाई की हत्या को अंजाम। आरोपी भाई व उसका साथी गिरफ्तार, जिससे घटना में प्रयुक्त रक्त रंजित कुल्हाड़ी भी जब्त की गयी। ये दिनांक 17 जुलाई 2021 को थाना सिमरौल में जो कालाकुंड गांव है उसमें स्थित रेलवे स्टेशन के पीछे चोरल नदी में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और एफएसएल टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। जो डेड बॉडी थी उसको प्रथम दृष्टया देखते हुए यह पाया गया कि बॉडी पर हथियार से काफ़ी 2-3 गंभीर घाव देखने को मिले थे, जिससे यह प्रतीत होता था कि उस उक्त अज्ञात व्यक्ति को मारकर नदी में फेंका गया है। तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिस पर यह पाया गया कि जो बॉडी थी वो सेवाराम कोहली, जो निकटस्थ गाँव कालाकुंड का ही रहने वाला था और मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न था, उस व्यक्ति की। क्योंकि घटना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी साक्ष्य मौजूद नहीं था, तो पूर्ण रूप से ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी की लीडरशिप में थाना प्रभारी सिमरौल के द्वारा एक टीम गठित की गई और उस टीम ने लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए मुखबिरों को सक्रिय करते हुए 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए चिन्हित किया। ये संदिग्धों के जो नाम है रमेश कोहली और छितर सिंह, जो कि कालाकुंड की रहने वाले हैं, और रमेश कोहली मृतक का सगा छोटा भाई है। जब दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध कबूल किया और इसका जो मोटिव उन्होंने बताया रमेश कोहली के अनुसार कि जो मृतक है, मृतक का मछली पकड़ने के व्यवसाय में गाँव में दबदबा था, जिसको वो खत्म करना चाहता था और स्वयं का इस क्षेत्र में मोनोपोली स्थापित करना चाहता था, जिस पर से इन्होंने मृतक के साथ जाकर नदी पर ही दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से सेवाराम कोहली की हत्या की और उसके शव को नदी में फेंक दिया। इस पर जो टीम है थाना सिमरौल की, उसने काफ़ी सराहनीय योगदान दिया और जल्द से जल्द इस मर्डर का खुलासा किया, जिस पर एसपी वेस्ट महोदय के द्वारा टीम को नगद इनाम की घोषणा की। सर, इसमें जो हत्यारे बताए जा रहे हैं उसके सगा भाई सामने आया है, ये दोनों सगे भाई थे और छोटे भाई रमेश कोहली ने ही बड़े भाई की हत्या की और हत्या का कारण, जैसा कि मैंने बताया कि मछली पकड़ने का जो एरिया था वहाँ पर सेवाराम कोहली का दबदबा था, जिसे वो खत्म करना चाहता था।